कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे। बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि एक्चुअली अगर आप गायरोस्कोप नॉन गायरो यूज़र हो तो गायरोस्कोप को कैसे शिफ्ट करना चाहिए, मतलब गायरोस्कोप को कैसे सेटअप करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप एक फुल्ली गायरोस्कोप सेट करके उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप नॉन गायरोस्कोप हो और आपको गायरोस्कोप के बारे में कुछ नहीं पता, तो ये है कि गायरोस्कोप एक टाइप का सेंसर है जो आपके फ़ोन में बिल्ट होता है। जैसे अगर आप एम करते टाइम पे अपने फिंगर से नीचे करते हो एडीएस को, मतलब रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए, उसी अगर आप आपके फ़ोन को आगे टिल्ट करोगे, मतलब पीछे गिराओगे, तो रिकॉइल कंट्रोल होगा। ये देख रहे हो, मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ फ़ोन को, ये ऊपर नीचे चारों तरफ देख रहा है। इसी तरह अगर आप फायर करते टाइम पे ऊपर नीचे करोगे तो ऊपर नीचे। तो ये बेसिकली सारे जो भी प्रोफेशनल खेलते हैं बंदे या जो भी लॉन्ग रेंज प्ले करते हैं उनके लिए बहुत नेसेसरी है, ताकि वो लोग दूर के बंदों को भी ईजीली अपनी एआर से गिरा सकें। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहले बेसिक अगर आपको करना है तो आप सेटिंग में जाइए। यहाँ पे आपको दिखेगा गायरोस्कोप ऑलवेज ऑन, स्कोप ऑन, क्लोज, तीन दिखेंगे आपको। तो अगर आपका क्लोज पे है तो पहले आप स्कोप ऑन पे जाओ, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट ऑलवेज ऑन करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो आप पहले स्कोप ऑन में जाओ, स्कोप ऑन में जाओ, फिर एक बार आप सेंसिटिविटी में जाओ। आपके सबसे नीचे जहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको गायरोस्कोप के सेटिंग्स। तो यहाँ पर आप क्या करो, थर्ड पर्सन नो स्कोप और फर्स्ट पर्सन नो स्कोप को जाने, ये ऑलवेज ऑन में काम आएंगे। बाकी आते हैं रेड डॉट 2x, 3x, 4x, 6 एंड 8, ठीक है। तो आप रेड डॉट को क्या करो, 200 पे सेट कर लो, 250 तक चलेगा, ठीक है। 300 मत करना, चलो 230 कर लेते हैं, ओके। 230 पे आ गया, फिर आप रेड डॉट पे स्कोप खोलो, एक जगह ठहर जाओ, रेड डॉट पे स्कोप खोलो और फोन को टिल्ट करने का ट्राई करो। जैसे जैसे आप गोली मारोगे, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो ये देखो ऊपर ही जाएगा गोली, ऑटोमेटिक फोन भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। और अगर आप टिल्ट करोगे फोन को पीछे पीछे, जैसे जैसे आप गोली मार रहे हो वैसे वैसे फोन को टिल्ट करते रहो, ठीक है। ये देखो दिख रहा है, पूरे बुलेट्स मेरे वहीं लग रहे हैं इसी पे। तो अगर आपकी उस, मतलब आपको टिल्ट करने में भी वेरिएशन होते हैं गाइस, आपको पूरा टिल्ट करना पसंद है तो आप लो सेंसी पे खेलो, मतलब सेंसिटिविटी कम रहने दो। मेरे हिसाब में मैं सजेस्ट जो कर रहा हूँ, रेड डॉट की सेंसिटिविटी आप 300 होना चाहिए। आप स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस कर सकते हो 250 पे या 200 पे, लेकिन बाद में एक बार प्रैक्टिस होने के बाद 300 करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सडन बंदे कहीं से, मतलब आपको यहाँ देख रहे हो बंदा कहीं यहाँ पे है, तो आपको शिफ्ट करने के लिए 300 होना ही चाहिए। तो रेड डॉट आप मतलब सोचो मत, कुछ मत करो, सीधा 300 पे डाल दो। फिर आएगा 2x, अगर आप 2x यूज़र हो तो 2x को 300 पे रह दीजिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट स्कोप अपना आता है 3x। आप 6x को 3x करके यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट 3x यूज़ कर सकते हो, मेरा प्रेफरेबल है 6 को 3 करके यूज़ करना। तो यहाँ मैंने 6x स्कोप उठा रखा है। अब यहाँ पे बहुत बंदे मार खा जाते हैं, मतलब गलती करते हैं कि नहीं मैं क्या रखूँ, मेरी 3x की सेंसिटिविटी क्या रखूँ। तो गाइस अगर आप आईफोन यूज़र है तो आप 200 के ऊपर रखिए, लेकिन मैं एंड्रॉयड यूज़र हूँ, मैं 1+7 पे खेलता हूँ, लेकिन मेरी सेंसी कितनी है देखिए आप, 3x की 260। क्यों? क्योंकि मुझे हाई सेंसी पे खेलना ज़्यादा पसंद है, मुझे मेरा फ़ोन ज़्यादा टिल्ट करना अच्छा नहीं लगता। अब देखो भाई, ये हो गया मेरा ऑलवेज ऑन कर लिया इसको, अब हाई सेंसी पे 260 है मेरा, ठीक है। अब मेरा ये स्प्रे देखो, पूरे वहीं लगे इसके एकदम एच पे। वॉच आउट, अब मुझे क्या करना है, मैं सेंसी को कम करके बताता हूँ। 175 कर दी सेंसी, आप देख सकते हैं दोनों ही सेंसिटिविटी पे मेरा स्प्रे एकदम एक्यूरेट था, क्योंकि इस वाली सेंसी में मैंने फ़ोन को ज़्यादा टिल्ट किया 175 पे
और 3260 पे मैंने फ़ोन को कम टिल्ट किया। मुझे कम टिल्ट करने मतलब लो हाई सेंची पे खेलने की ज़्यादा आदत है, तो मुझे क्या है इतनी ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है, तो मैं 260 करके खेल रहा था उसको। ठीक है, अब आप क्या करो, अगर आप आईफोन यूज़र हो, आपने बहुत सारे यूट्यूबर से जो भी ये प्रोफेशनल प्लेयर खेलते हैं उनके आपने उसमें देखा होगा आईफोन वालों की, उनकी सेंची बहुत ज़्यादा ही होती है, तो आप किसी का भी सेंची कॉपी मत करो। ये मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि आप कोई और प्लेयर की सेंची कॉपी मत करो। जब तक आपके पास सेम फ़ोन नहीं है, जब तक अगर आप लोग सेम डिवाइस पे नहीं खेल रहे हो, मतलब आप जिसकी कॉपी कर रहे हो उसके पास, आपके पास दोनों के पास सेम डिवाइस नहीं है, तब तक कॉपी करने की कोशिश मत करो। तो सेम डिवाइस है तो भी अपने अपने चॉइसेस आते हैं भाई। देखो अगर उसके पास है आईफोन 11, आपके पास आईफोन 11, दोनों के पास आईफोन 11 है, अगर वो उसको खेलना हाई सेंसी पे पसंद है तो वो रखेगा 260 270 रखेगा, आप मत रखो 260। आप कम करके प्रैक्टिस करो धीरे धीरे, अगर आपको कम अगर ज़्यादा हिलाने की मतलब फ़ोन ज़्यादा टिल्ट करने की आदत हो जाए तो आप लो सेंसी पे खेलो, अगर आपको फ़ोन हाई टिल्ट करने की आदत हो जाए मतलब ज़्यादा टिल्ट करने की आदत हो जाए तो आप लो सेंसी पे खेलो। अब इसके बाद आता है आईफोन एंड्रॉयड का फ़र्क। भाई अगर आप आईफोन यूज़र हो तो आप हाई सेंसी पे ही खेलो। आपने 16 की वीडियो में भी देखा होगा ये, वो संजय ने एकदम सही बताया कि आईफोन और एंड्रॉयड में क्या फ़र्क है। भाई अगर आप आईफोन यूज़र की सेंसी कॉपी कर रहे हो तो उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करो और अपने फ़ोन में रख लो। अगर समझो मेरे उसमें सेंसिटिविटी है 260, तो मैं इसको 0.6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 170 अराउंड कुछ आएगा, तो 175 रख ली मैंने। तो आपने देखा 175 पे मेरा स्प्रे, देखना देख रहे हो 175 पे भी एकदम एक्यूरेट स्प्रे है। इसका मतलब ये कि आईफोन और एंड्रॉयड का ये फर्क है कि आप सेम सेंसी ऑब्वियसली चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब आप एंड्रॉयड यूज़र हो और आपके डिवाइस पे भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है गाइस कि आपका डिवाइस कौन सा है। अगर आपका सेंसर एकदम कोई लेटेस्ट डिवाइस है तो आपको गायरोस्कोप में धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको सेंसी अपने फ़ोन के हिसाब से रखनी होगी। अगर आप आईफोन यूज़र की सेंसी कॉपी करके डायरेक्ट 270 रख लोगे और आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपका एम मतलब एकदम ये आपको बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो आप बेसिक से शुरू करो सेंसिटिविटी में, पहले आप बेसिक में ऑन कर लीजिए गायरोस्कोप को, स्कोप ऑन पे डाल दीजिए, फिर आइए सेंसिटिविटी में, टू फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन लाइट ले लीजिए, रेड डॉट 2x 300, 3x अगर 170 आइडियल सेंसिटिविटी है, 172 175 इज द आइडियल सेंसिटिविटी फॉर 3x एंड फॉर 4x इट इज 180 to 190। ओके, मैंने 40 बुलेट मारी, 40 की 40 पॉइंट लगी, लेकिन मुझे खेलने का आता हाई सेंसी पे, तो मैं क्या करता हूँ इसको 240 करके खेलता हूँ मैं, क्योंकि मुझे क्या है मैं ज़्यादा गोली नहीं मारता हूँ, मैं कम गोली मारता हूँ, हेड पे एम करता हूँ, इसीलिए क्या है मुझे हाई सेंसी पे खेलने की ज़्यादा आदत है। आता है जिसपे आप गायरोस्कोप मतलब AR के लिए ना ही यूज़ करो, 6 को 3 कर लो और 3x की सेंसी 170 की है आपके हिसाब में। अगर आप हाई सेंसी पे खेलते हो एंड्रॉयड में, मेरे पास 1+7 है तो मैं मेरे फ़ोन के हिसाब में मुझे लगी 260 बेस्ट सेंसी मेरे हिसाब में, और 4x की मुझे सेंसिटिविटी बेस्ट लगी 240। अगर आप कोई आइडियल सेंसिटिविटी ढूंढ रहे हो तो इट इज़ अराउंड 170 to 180, मैंने टेस्ट किया, आपको बताया भी है इस वीडियो में, तो आप देखो 6x और 8x आप अगर आप DMR पे यूज़ कर रहे हो तो आप 80-100 के आसपास रखो, 80-200 के आसपास। अगर आप कोई बोल्ट एक्शन पे Kar98 पे या फिर किसी पे भी यूज़ करो तो उसकी सेंसी होनी चाहिए 40-45-50 तक रख सकते हो, 40-50 के बीच में आप कुछ भी रख सकते हो आपकी कन्वीनियंसी के हिसाब से। 8x भी अगर आप DMR पे यूज़ कर रहे हो तो 80-90 रखो, 60-70 रखो 8x से कुछ भी है तो। और अगर आप कोई बोल्ट एक्शन पे यूज़ कर रहे हो, इसे AWM हो गए, अपनी Kar98 M24 हो गए, तो इस पे अगर आप यूज़ कर रहे हो तो अपनी सेंसिटिविटी को 20-30 पॉइंट्स कम कर लीजिए। ठीक है, ये बेसिक आइडिया हो गया इसका। तो आप लोग अगर
अच्छा लगा गाइस वीडियो, अगर आप लोगों ने सेटअप नहीं किया है अभी गायरोस्कोप तो अब तक इस वीडियो को देख कर सेटअप कर लीजिए गाइस, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लॉन्ग टर्म आराम से बंदों को फेल सकते हो, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है गाइस। मतलब एक दिन में नहीं आएगा आपको, आपने गायरोस्कोप से चेक कर ली इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको गायरोस्कोप सेटअप हो गया। सेटअप होने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। कोई भी कंट्रोल्स अगर आप रखोगे मैटर नहीं करेगा, लेकिन जब तक आप उस कंट्रोल को मास्टर नहीं करोगे आप प्रो बंदे कैसे बनोगे भाई। जल्दी से जल्दी अपना गायरोस्कोप सेटअप करो। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर मार दो भाई, सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल को। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेट्स गो।